हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2018 में आई मूवी विडोज को। इस मूवी में हम देखेंगे तीन चोरों के मरने के बाद उनकी बीवियां उनकी अगली चोरी को कैसे अंजाम देती है। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। जैसे IMDB पर इसे मिले है 6.9 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 91% फ्रेश विथ 61% ऑडियंस स्कोर, मेटाक्रिटिक पर इसे मिले है 84 आउट ऑफ 100 और इसे 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम चार औरतों और उनके हस्बैंड को देखते हैं। पहली थी विक्टोरिया और हैरी, दोनों में बहुत प्यार था। दूसरी थी लिंडा, लिंडा एक स्टोर चलाती थी लेकिन उसका हस्बैंड उसकी कोई मदद नहीं करता था, बल्कि अपने पैसे अय्याशी में उड़ाने के बाद वो लिंडा के भी पैसे ले जाया करता था। तीसरी थी एलिस, उसका हस्बैंड उसकी हर जरूरत पूरी करता लेकिन उसे बहुत मारा करता था। और चौथी थी अमेंडा, जिसके बारे में हमें कुछ ज्यादा बताया नहीं जाता। तो इन चारों के हस्बैंड आपस में दोस्त थे और साथ में ही चोरियां करते, लेकिन एक दिन एक चोरी में कुछ गड़बड़ हो गई और उनके पीछे पुलिस लग गई। वो लोग किसी तरह कार बदलने अपनी तय की हुई जगह आए लेकिन बाहर पुलिस आ चुकी थी। उनके शटर खोलते ही पुलिस उन पर फायर करने लगती है जिससे कार ब्लास्ट होती है और चारों ही मारे जाते हैं। फिर हम एक पब्लिक मीटिंग में टॉम मलिंगन को देखते हैं जो इस एरिया का लोकल नेता है। वो अगले इलेक्शन में अपनी जगह अपने बेटे जैक का नाम अनाउंस करता है। फिर जैक वहां से एक मॉब बॉस जमाल के पास जाता है। जमाल उसके अपोजिट साइड से इलेक्शन लड़ रहा था, वहाँ उसका भाई जटैम भी बैठा था। जैक जमाल को उसका नाम वापस लेने बोलता है क्योंकि जैक और उसका खानदान कई पीढ़ियों से इस इलेक्शन को जीतते आ रहे हैं और वो अभी भी जमाल से 16 पॉइंट आगे था, लेकिन जमाल अपना नाम वापस लेने से मना कर देता है। भले से ही वो गुंडा है लेकिन वो कभी अरेस्ट नहीं हुआ। थोड़ी नोकझोंक के बाद जैक वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जटैम के पूछने पर जमाल यहाँ बिल्कुल सच बताता है। दरअसल वो राजनीति से ज्यादा अपने धंधे से पैसा कमा लेता है, लेकिन जमाल को पैसा नहीं बल्कि पावर चाहिए था क्योंकि इतने पैसे कमाने के बाद भी लोग उनके पीछे गन लेकर आते हैं। जबकि जैक और उसका परिवार भी इल्लीगल पैसे कमाते हैं, जैसे हर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे वो कट लेते हैं, फिर भी उनके पीछे लोग माइक लेकर घूमते हैं। इसीलिए जमाल को जैक जैसी जिंदगी जीनी थी। तभी एक आदमी जमाल को हैरी की मौत की खबर देता है। दरअसल हैरी और उसके दोस्त जमाल के ही पैसे चुरा रहे थे जो वो अपने इलेक्शन कैंपेन में खर्च करने वाला था। फिर हम उन लोगों का फ्यूनरल देखते हैं। उन लोगों की बॉडी देखने लायक भी नहीं बची थी। दूसरी तरफ लिंडा की सास उसे पसंद नहीं करती थी, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। हम जैक और उसके डैड को बात करते हुए देखते हैं जिससे हमें पता चलता है बाप बेटे के रिश्ते ठीक नहीं है। दूसरी तरफ वेरोनिका हैरी को दफनाने जा रही थी। हैरी की बॉडी टुकड़ों में 3 बॉक्स में आई थी, इसीलिए वेरोनिका उसे नहीं देखती। तब उसका ड्राइवर बैश, जो हैरी का भरोसेमंद आदमी था, वो उसे एक चाबी देता है जो हैरी ने उसे वेरोनिका को देने कहा था अगर उसे कुछ हो जाए तो। फ्यूनरल में जैक और जमाल भी आए थे। हैरी को दफनाने के बाद वेरोनिका बैश से हैरी के सभी साथियों की डिटेल मांगती है। उसी रात उसके घर में जमाल घुस आता है। जमाल वेरोनिका से पहले पूछता है, हैरी और वो अलग अलग काम करते थे, दोनों कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए, लेकिन फिर भी हैरी ने उसके $2 मिलियन क्यों चुराए, मतलब जिस चोरी में हैरी मारा गया और वो पैसे जल गए वो जमाल के थे। लेकिन वेरोनिका को कुछ नहीं पता था, लेकिन जमाल नहीं मानता। वो उसे धमकी देता है 1 महीने में वेरोनिका को उसके पैसे चुकाने होंगे, चाहे उसे अपना पेंट हाउस बेचकर ही पैसे क्यों ना लाना पड़े। वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि वो खुद एक क्रिमिनल की वाइफ है। दूसरी तरफ लिंडा के स्टोर में भी कुछ लोग घुस आते हैं। दरअसल उसके पति ने घोड़ों की रेस में इस दुकान को दाव पर लगाया था और हार गया। क्योंकि ये दुकान उसके ही नाम पर थी, अब ये दुकान इन लोगों की हो चुकी है और ये जानने के बाद लिंडा कुछ नहीं कर पाती। वही वेरोनिका उस प्राइवेट लॉकर ऑफिस में जाती है जिसकी चाबी हैरी ने उसके लिए छोड़ी थी। उस लॉकर में बस एक डायरी और एक लिफाफा था। जब वेरोनिका घर आकर उसे देखती है, उसमें हैरी की अगली चोरी की पूरी प्लानिंग थी, साथ ही एक क्लब का कार्ड, उस घर का नक्शा जिसमें वो चोरी करने वाला था और किसी की यामाकाटा करते समय की फोटोज थी। लिफाफे पर LV लिखा हुआ था। अब वेरोनिका के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो बैश को नौकरी पर रख सके, इसीलिए वो बैश को वो कार दे देती है। बैश बस उसे लाना ले जाना करे, बाकी समय कार उसकी। बैश मान जाता है। फिर वेरोनिका उस क्लब में जाती है और
बॉबी नाम के आदमी से मिलती है। बॉबी हैरी का दोस्त था। वेरोनिका उसे सब बताती है, लेकिन वो वेरोनिका से उस डायरी को जमाल को देने बोलता है, जिससे शायद जमाल उसे छोड़ दे। लेकिन वेरोनिका पर किसी ने नजर रखी थी। इस तरफ एलिस को भी पैसों की तंगी आ गई थी। उसका हस्बैंड कैसा भी था, लेकिन उसकी हर जरूरत पूरी करता था। लेकिन यहाँ एलिस की अपनी माँ ही उसे ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूट बनने बोल रही थी, ताकि उसे नौकरी ना करनी पड़े, जिससे वो एक रात में ही बहुत पैसे कमा लेगी। लेकिन एलिस फिलहाल इसे करने से मना करती है। भाई ऐसी माँ के तो क्या कहने। इस तरफ जैक का इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, लेकिन जमाल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। जैक को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसकी सेक्रेटरी उसे यही काम करने इंकरेज करती है। फिर वेरोनिका बाकी तीनों की बीवियों को एक स्पा में बुलाती है। यहाँ एलिस और लिंडा तो आ गई थी, लेकिन अमेंडा नहीं आई थी। फिर वेरोनिका उन्हें बताती है उनके पतियों ने जमाल के पैसे चुराए थे, और अब जमाल वो पैसे उनसे मांग रहा है। लेकिन मरने से पहले हैरी अपनी अगली चोरी का प्लान छोड़कर गया है, जो पूरे $5 मिलियन का है। जमाल को $2 मिलियन देने के बाद बाकी पैसे वो आपस में बांट सकती है। उन तीनों की ही माली हालत खराब थी, और वैसे भी उन लोगों ने मना किया तो वेरोनिका उनके भी नाम जमाल को बता देगी। वेरोनिका उन्हें एक एड्रेस पर रात 11:30 बजे बुलाती है। पहले तो दोनों मना करती है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर हम एक प्रीस्ट को देखते हैं, जिसे लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। फिर उससे जमाल मिलने आता है। दरअसल उसे वोट के लिए इस प्रीस्ट का सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि इस प्रीस्ट के जमाल के वार्ड में बहुत सारे अंधभक्त है, जो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जमाल को अपना सपोर्ट देने के लिए वो उससे ज्यादा पैसों की डिमांड करता है, क्योंकि जैक ने उसे पहले ही पैसे ऑफर कर दिए थे। कुछ समझ में आया आपको? इंडिया और बाकी देशों की पॉलिटिक्स एक जैसी है। फिर बैश वेरोनिका को कहीं लेकर आता है। ये हैरी और उसके दोस्तों का अड्डा था, यही उसने एलिस और लिंडा को बुलाया है। फिर हम एक बेल नाम की लड़की को एक सलून में काम करते हुए देखते हैं। वो अपना काम खत्म करके घर आती है, तभी उसे लिंडा का कॉल आता है बेबी सिटिंग के लिए। बेल $12 के लिए लिंडा के घर के लिए निकलती है और भागते हुए बस पकड़ती है। मतलब बेल बहुत फिट थी। वो लिंडा के घर पहुंचती है और लिंडा वेरोनिका से मिलने निकलती है। इस तरफ एलिस उस डेटिंग साइट से पहले लड़के से मिलने जाती है। उसका नाम डेविड था। वो एलिस से बहुत अच्छे से बात करता है। वो बताता है वो बिल्डर के साथ साथ एक आर्किटेक्ट भी है। उसने इस शहर की बहुत सारी बिल्डिंग्स डिजाइन की है। फिर वो एलिस को होटल में चलने बोलता है। दूसरी तरफ जटेम जाकर उस आदमी से मिलता है, जिससे वेरोनिका मिलने आई थी। वो उसे टॉर्चर करता है। तब वो जटेम को बता देता है वेरोनिका के पास हैरी की डायरी है, जिसमें अगली चोरी की सारी जानकारी लिखी है, जो करीब $5 मिलियन की है। जमाल ने जटेम को मर्डर करने से मना किया था, इसीलिए जटेम उसे छोड़ देता है। लेकिन उसकी खबर गलत हुई तो वो उसे वापस आकर मार देगा। दूसरी तरफ लिंडा वेरोनिका के पास आ गई थी, लेकिन एलिस नहीं आई थी। उन्हें लगता है वो नहीं आएगी, लेकिन तभी एलिस भी वहाँ आ जाती है। दोनों वेरोनिका का साथ देने तैयार हो गई थी। पहले वेरोनिका एलिस को पैसे देती है, क्योंकि उसे एक वैन और 3 गन खरीदनी है। हैरी की डायरी में किसी घर का नक्शा है, जिसमें वो पैसे रखे है, लेकिन उन्हें वो घर पता नहीं था। उस घर के बारे में पता लगाने का काम वेरोनिका लिंडा को देती है, साथ ही दोनों को इस काम को करने के लिए पैसे भी देती है। वो 3 दिन बाद यहाँ वापस मिलने वाले थे। दूसरे दिन एलिस एक ऑक्शन में वैन खरीदती है, लेकिन वो उसे कुछ ज्यादा ही महंगी खरीद लेती है। उसे ड्राइविंग भी नहीं आती, इसीलिए वो वेरोनिका को बुलाती है। वेरोनिका को लगा था एलिस ड्राइव कर लेगी। अब उसे बैश को इसमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके प्लान के मुताबिक लिंडा का दूसरा काम है। दूसरी तरफ लिंडा उस डिजाइन के बारे में पता करने में लगी थी। उसे नक्शे पर उस फर्म का नाम मिलता है, जिसने उसे डिजाइन किया था। लिंडा उनके ऑफिस पहुंचती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता वो घर किसका है या उसे किसने डिजाइन किया है। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद रिसेप्शनिस्ट उसे उस आर्किटेक्ट का नाम बता देती है। लिंडा उस आर्किटेक्ट के घर जाती है, जहां सिर्फ उसका हस्बैंड था, जिससे उसे पता चलता है वो आर्किटेक्ट 3 महीने पहले ही मर चुकी है। दूसरी तरफ एलिस गन खरीदने जाती है। उसे गन के बारे में कुछ पता नहीं था। तब वो एक औरत से मदद मांगती है। वो उसे झूठी कहानी बताती है, उसका हस्बैंड उसे मारना चाहता है और वो इस देश में इल्लीगल तरीके से रह रही है, इसीलिए वो पुलिस के पास नहीं जा सकती। तब वो औरत उसकी मदद करने तैयार हो जाती है। फिर एलिस और लिंडा मिलते हैं। लिंडा को समझ नहीं आ रहा था वो उस ब्लूप्रिंट के घर का पता कैसे लगाए, लेकिन एलिस उससे वो ब्लूप्रिंट ले लेती है। वो इस काम को कर लेगी। फिर दोनों भी टारगेट प्रैक्टिस करने जाते हैं। एलिस का निशाना तो अच्छा था, लेकिन लिंडा का बहुत खराब। जटेम जाकर जमाल को हैरी की डायरी के बारे में बताता है, क्योंकि वो उस डायरी से अमीर बन सकते हैं। लेकिन वेरोनिका के पास अभी 2 हफ्ते बाकी थे और अभी इलेक्शन का भी समय चल रहा था। जमाल उसे 2 हफ्ते रुकने बोलता है। एक रात वेरोनिका को बॉबी का कॉल आता है। बॉबी उससे डायरी के बारे में पूछता है। वेरोनिका उसे बोलती है उसने डायरी जमाल को दे दी और फोन रख देती है। हम देखते हैं बॉबी के साथ कोई और भी बैठा था। दूसरी तरफ
जैक अपने कुछ दोस्तों से मिलता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है अब जमाल उससे सिर्फ 7 पॉइंट पीछे है, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि शहर में बनने वाली मेट्रो के प्रोजेक्ट में जैक और उसके डैड ने घपला करके बहुत पैसे बनाए थे। फिर फ्लैशबैक के जरिए हमें पता चलता है वेरोनिका और हैरी का एक बेटा था। वो एक दिन हैरी की गाड़ी चला रहा था, तब पुलिस ने उसे भी क्रिमिनल समझ लिया और शक में उसे गोली मार दी। मतलब उसकी मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं हैरी ही था। वेरोनिका भी यही मानती थी और साथ ही हैरी भी। तभी वेरोनिका को अमेंडा का कॉल आता है, हैरी के चौथे दोस्त की बीवी, जो उस दिन स्पा में नहीं आई थी। वेरोनिका उससे एक रेस्टोरेंट में मिलने जाती है। कुछ देर बात करने के बाद वो बोलती है पिछली बार के प्लान में हैरी से गलती हुई थी, लेकिन वेरोनिका बोलती है हैरी 30 साल से काम कर रहा था, उसने पहले कभी गलती नहीं की। अमेंडा भी उस दिन स्पा आना चाहती थी लेकिन वो डर गई थी। लेकिन वेरोनिका अब उसे प्लान के बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि अमेंडा का 4 महीने का बेटा है जिसे वो अकेले संभाल रही है। अमेंडा उसे पूछती है हैरी ने उसके लिए पैसे छोड़े या नहीं, लेकिन वेरोनिका उसे कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ जटैम ब्लैश के घर पहुंचता है और उसे वेरोनिका से हैरी की डायरी उसे लाकर देने बोलता है, लेकिन ब्लैश किसी भी डायरी के बारे में पता होने से इनकार करता है। दूसरे दिन सुबह वेरोनिका को एक पार्सल मिलता है जिसमें बैश की रिंग थी, मतलब जटैम ने बैश को मार दिया। वो फोन पर वेरोनिका को धमकी देता है क्योंकि 1 हफ्ते में उसका समय खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ एलिस डेविड के साथ यामाकाटा करने में लगी थी। आपको याद हो तो डेविड एक आर्किटेक्ट है और एलिस ने उसे ही उस ब्लूप्रिंट के बारे में पता लगाने कहा था। तभी वहाँ वेरोनिका आती है। डेविड को वहाँ देखकर दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि एलिस के हस्बैंड को मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था। बहस में दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मार देती है। तब वेरोनिका बताती है जमाल ने ब्लैश को मरवा दिया और उसके पास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि जिस घर में वो रहती है वो भी उसका नहीं है। तब एलिस उसे इमोशनल सपोर्ट देती है। अगले दिन लिंडा और विक्टोरिया में बहस हो जाती है क्योंकि अब उनके पास ड्राइवर नहीं है और उनके प्लान को बस 1 हफ्ता ही बचा था। दूसरे दिन सुबह वेरोनिका बिना बताए अमेंडा के घर जाती है और उससे पूछती है उसे पता है चोरी के समय उनके हस्बैंड का ड्राइवर कौन रहता था या ऐसा कोई जो उनकी गाड़ियां प्रिपेयर करता हो, लेकिन अमेंडा उसे ऐसे किसी भी काम से दूर रहने बोलती है। तभी उसका बच्चा रोता है, अमेंडा उसे देखने जाती है। तभी वेरोनिका का कुत्ता एक दरवाजे के पास जाकर भौंकने लगता है। वेरोनिका वहां कुछ देखती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। फिर एलिस डेविड से मिलती है। डेविड ने पता लगा लिया था वो ब्लूप्रिंट वाला घर कौन सा है। वो कल शंघाई जा रहा था। डेविड एलिस को भी अपने साथ चलने बोलता है, लेकिन एलिस उसे मना कर देती है क्योंकि कुछ दिनों में उन्हें चोरी करनी थी। तब डेविड उसे एहसास दिला देता है कि वो ये सब पैसों के लिए करती है। डेविड उसे अपने साथ चलने के लिए ज्यादा पैसे ऑफर करता है। फिर एलिस और वेरोनिका जाकर उस घर को देखते हैं। वो घर और किसी का नहीं बल्कि जैक का था। मतलब मेट्रो के करप्शन से बनाया गया सारा पैसा जैक के घर में रखा है, और हैरी का उन पैसों को चुराने का प्लान था क्योंकि वो ब्लैक मनी है। जैक चोरी की कंप्लेन भी नहीं कर सकता, लेकिन ये चोरी उतनी ही मुश्किल होने वाली थी। रात में लिंडा फिर बेबी सिटिंग के लिए बेल को बुलाती है। वो बेल को देखती है जो थोड़े पैसे कमाने के लिए कितनी भाग दौड़ करती है। लिंडा उससे पूछती है क्या वो ड्राइविंग करना जानती है। अगले सीन में हम देखते हैं लिंडा उसे वेरोनिका के पास लेकर आती है। पहले तो वेरोनिका मना करती है बेल को अपनी टीम में शामिल करने के लिए, लेकिन उन्हें एक ड्राइवर चाहिए था और लिंडा बेल की जिम्मेदारी लेती है, साथ ही उन्हें हिस्सा बराबर बांटना होगा। एलिस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए वेरोनिका भी मान जाती है। दूसरे दिन सुबह बेल जैक के घर के सामने जॉगिंग कर रही थी। फिर वहाँ वेरोनिका आती है। वो उस घर के सिक्योरिटी रूम को देखती है। उसे पता चलता है इस घर में एक ही सिक्योरिटी गार्ड रहता है। जैक की सेक्रेटरी वेरोनिका को वेट करने बोलती है क्योंकि जैक मीटिंग में है, लेकिन वेरोनिका ऊपर जाती है जहाँ एक टीम काम कर रही थी। सामने एक बहुत बड़ा नक्शा लगा हुआ था जो इसी शहर का है। तभी उसे एक एम्प्लॉय देख लेता है। वेरोनिका बहाना बनाती है वो बाथरूम देख रही थी। दरअसल उस बड़े नक्शे के पीछे ही वो तिजोरी है जिसमें पैसे रखे हुए है। वही बाहर बेल देखती है पीछे के रास्ते के कैमरास कंस्ट्रक्शन के काम से ढके हुए है। अंदर जैक और उसके डैड में बहस हो रही थी क्योंकि जैक ने उसके डैड के कैंपेन मैनेजर को निकाल दिया था। जैक की 3 दिनों में जमाल के साथ टीवी पर डिबेट होने वाली थी। फिर जैक वेरोनिका से मिलता है। वेरोनिका पहले उससे पूछती है वो हैरी से कब मिला था क्योंकि जैक उसके फ्यूनरल में आया था, लेकिन जैक हैरी से बहुत पहले मिला था। फिर वेरोनिका उससे मदद मांगती है क्योंकि जमाल पैसों के लिए उसके पीछे पड़ा है क्योंकि उसके पैसे हैरी ने चुराए थे, लेकिन जैक उसकी किसी भी तरह मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वो उसके वार्ड में भी नहीं रहती। बाहर बेल को घर में से एक आदमी निकलते हुए दिखाई देता है जिसे वो पहचानती थी क्योंकि वो उसके सलून में आता है। दूसरी तरफ जब वेरोनिका बाहर निकलती है उसे VL सिक्योरिटी की वैन दिखाई देती है। इसी कंपनी का लिफाफा उसे
डायरी में मिला था। सलून में बेल अपनी बॉस से उस आदमी के बारे में पूछती है जिसे उसने जैक के घर के बाहर देखा था। वो उसे बताती है जैक ने ही उसे ये बिजनेस खुलवा के दिया था, इसीलिए उसे जैक को हफ्ता देना पड़ता है, जिसमें उसे कोई एतराज नहीं। रात में तीनों छोटे बॉक्स में मिट्टी भरते हैं। वहाँ वेरोनिका नहीं थी। तब लिंडा उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी वहाँ वेरोनिका आती है। वो उन्हें बताती है उन्हें नए ड्राइवर की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि पहले वाले को मार दिया गया। तब उनकी बोलती बंद हो जाती है। उन्हें समझ में आता है ये मैटर कितना सीरियस है। वेरोनिका ने बॉक्स में $5 मिलियन कैश जितने वजन की मिट्टी भरवाई थी। वो बॉक्स को एक बैग में भरकर लिंडा को उस बैग को लेकर भागने बोलती है। पहली बार में तो लिंडा आसानी से दौड़ जाती है, लेकिन अगले बैग में उसकी हालत खराब हो जाती है। विक्टोरिया का मानना था उन्हें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। किसी को लगना नहीं चाहिए ये औरतों का काम है। यही उनका एडवांटेज है कि वो सब औरतें हैं, क्योंकि कोई नहीं सोचेगा इतनी बड़ी चोरी चार औरतों ने की है। अगले दिन एलिस और डेविड में बहस हो जाती है, जिसके बाद एलिस उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। दूसरी तरफ वेरोनिका एलवी कंपनी के उस एम्प्लॉय को ब्लैकमेल करती है जिसकी फोटो उसे डायरी में मिली थी। दरअसल ये वही आदमी है जिसने उस तिजोरी के सिक्योरिटी कोड्स को डिजाइन किया था। वो वेरोनिका से बहुत मिन्नतें करता है कि वो कोड नहीं दे सकता, लेकिन वेरोनिका नहीं मानती। थोड़ी देर बाद वो कोड वेरोनिका को देकर चला जाता है, लेकिन वेरोनिका पर अभी भी जटैम ने नजर रखी थी। अब चोरी का दिन आ गया था। डिबेट से पहले जैक जमाल से मिलने जाता है। जैक अपनी हार मान चुका था। वो जमाल से बोलता है वो उसे गाइड करेगा और वो अपना कैंपेन भी बंद करने वाला है। दूसरी तरफ चारों भी मिलते हैं। वेरोनिका को कोड भी मिल चुके थे। सब तैयार होकर निकलते हैं। जैक के घर के पिछले दरवाजे के बाहर दो सिक्योरिटी वाले कार में थे। बेल बहुत दूर कुछ कार में आग लगा देती है। आग और कार के सायरन की आवाज सुनकर दोनों उस तरफ जाते हैं। तभी तीनों घर के पीछे के उस रास्ते से अंदर जाते हैं जहाँ के कैमराज ढके हुए थे। अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड था। पूरा घर खाली था क्योंकि सभी डिबेट में गए थे। वो दरवाजा खटखटाते हैं और उसके बाहर आते ही उसे गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। फिर इलेक्ट्रिक गन से उसे बेहोश करके बांध देते हैं। फिर तीनों भी ऊपर की तरफ भागते हैं। बाहर बेल वैन गेट के सामने लेकर आती है। तीनों ऊपर पहुंचते हैं। उस नक्शे को हटाते ही सामने ही तिजोरी का दरवाजा था। विक्टोरिया उसमें कोड इंटर करती है, लेकिन लॉक नहीं खुलता। तब लिंडा देखती है उसने कोड उल्टे पकड़े थे। फिर कोड इंटर करने पर तिजोरी खुल जाती है। अंदर बहुत सारा कैश था। तभी एलिस को बड़े नोट मिलते हैं। तीनों जल्दी जल्दी बैग्स में पैसे भरते हैं। फिर पूरे पैसे लेकर जैसे ही वो नीचे उतरती है, गन लेकर वहाँ जैक के डैड आ जाते हैं। वो मास्क हटाकर विक्टोरिया को देख लेते हैं। तभी एलिस उससे गन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन ये बुड्ढा उसे गोली मार देता है। ये देखते ही लिंडा उसे गोली मार देती है। लकीली एलिस के कंधे में गोली लगी थी। दोनों उसे उठाकर बाहर आती है। पैसे वैन में रखने के बाद वो देखते हैं बेल को जटैम ने गन पॉइंट पर ले रखा है। जटैम उस वैन को लेकर निकल जाता है और चारों को वही छोड़ देता है। जटैम खुशी में जमाल की डिबेट सुनते हुए जा रहा था, लेकिन अचानक कोई उसे पीछे से टक्कर मार देता है, जिससे वैन आउट ऑफ कंट्रोल होकर सामने के बैरिगेट से टकरा जाती है। ये चारों ही थी दूसरी कार में। तीनों जल्दी से वैन में से पैसों के बैग निकालती है और वहाँ से चली जाती है, और जटैम वैन में पिचक कर मारा जाता है। लेकिन एलिस की भी हालत खराब होती जा रही थी। उसका बहुत सा खून बह गया था। वेरोनिका हॉस्पिटल के सामने रुकती है। लिंडा एलिस को लेकर हॉस्पिटल में जाती है और वेरोनिका और बेल वहाँ से आगे चले जाते हैं। हॉस्पिटल में लिंडा एलिस का नाम भी गलत बताती है। बेल और वेरोनिका वापस पहुँच जाते हैं और प्लान के मुताबिक बेल वहाँ से चली जाती है, क्योंकि पैसों का बंटवारा वो साथ में मिलकर करने वाले है। वेरोनिका कार में से पैसे निकाल रही थी। तभी वहाँ कोई आता है, जिसे देख कर वेरोनिका रोने लगती है। और वो और कोई नहीं कि हैरी था। हैरी जिंदा था। अब वो यहाँ मूवी का सीक्रेट रिवील करता है। दरअसल उसने अपने ही दोस्तों को धोखा दिया था। चोरी के बाद जब वो वैन बदलने गए, हैरी ने सभी को पीछे बैठाया। उसने पहले ही अपने जैसे दिखने वाली बॉडी का इंतजाम कर लिया था। फिर कुछ पैसे वैन में ही छोड़कर हैरी वहाँ छुप गया और उसने ही वहाँ का शटर खोला था। शटर खुलते ही पुलिस उन पर गोलियां बरसाने लगी। फिर हैरी ने ही उस वैन को बम से ब्लास्ट कर दिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके, और सबको लगे पैसे ब्लास्ट में ही जल गए। और इन सब में उसकी मदद की जैक ने। दरअसल जैक के ही कहने पर उसने जमाल के पैसे चुराए थे ताकि जमाल इलेक्शन हार जाए। जैक ने ही मेडिकल एग्जामिनर को खरीदा था ताकि वो उस नकली लाश को हैरी साबित कर सके। लेकिन हैरी ने ये सब क्यों किया? उसने खुद को मरा हुआ साबित क्यों किया? क्योंकि उसे पता था जैक उससे अपना 1 मिलियन का हिस्सा मांगेगा। तो उसने एक और प्लान बनाया। उसने वो डायरी वेरोनिका के लिए छोड़ी। उसे पता था जमाल के धमकाने के बाद वेरोनिका चोरी जरूर करेगी। उसने जैक के ही पैसे
चुराकर उसे ही देने का प्लान बनाया था। बॉबी के साथ उस दिन जैक ही बैठा था, लेकिन यहाँ विक्टोरिया एक और सीक्रेट रिवील करती है। दरअसल विक्टोरिया बहुत पहले ही जान गई थी जैक जिंदा है। दरअसल जब विक्टोरिया अमेंडा से मिलने उसके घर गई थी, तब उसका कुत्ता एक दरवाजे के सामने भौंक रहा था। वहाँ उसे एक बोतल दिखी थी, वो बोतल हैरी की थी और उसका कुत्ता हैरी के लिए भौंक रहा था क्योंकि अंदर हैरी था। उसका और अमेंडा का अफेयर चल रहा था और वो बच्चा अमेंडा और हैरी का ही था। हैरी ने अपनी दूसरी फैमिली बना ली थी। उस दिन अमेंडा भी विक्टोरिया से इसीलिए मिलने आई थी ताकि उसे विक्टोरिया के प्लान के बारे में पता चल सके, क्योंकि उसे हैरी ने ही भेजा था। हैरी के पास जमाल के पैसे थे जो वो जैक को वापस नहीं करना चाहता था। वो जैक के पैसे अमेंडा से चुरा कर जैक को ही वापस करने वाला था, लेकिन वेरोनिका उसका प्लान बहुत पहले ही समझ गई थी। वो वेरोनिका को गोली मारता उससे पहले वेरोनिका ही उसे शूट कर देती है। फिर वहाँ बहुत रोती है क्योंकि उसका बेटा और हस्बैंड दोनों मर गए। फिर गन हैरी के हाथ में पकड़ाकर और उस बैकअप कार को जलाकर और पूरे पैसों के साथ वहाँ से निकल जाती है, जिससे अब सारा इल्जाम हैरी पर लगेगा अगर किसी को पता चला तो। फिर कुछ दिन बाद हम उस सलून को देखते हैं जहाँ बेल काम करती है। वहाँ के रेडियो से हमें पता चलता है जैक इलेक्शन जीत गया क्योंकि उसके बाप के मर्डर के सिंपथी वोट उसे मिले। वहाँ हम उस प्रीस्ट का भाषण भी सुनते हैं जो अब जैक की तरफ से बोल रहा था। तभी वहाँ बेल की बॉस को एक पार्सल मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे, जिसे अब उसे जैक को हफ्ता नहीं देना पड़ेगा। और बाहर हम बेल को कार में देखते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिंडा ने भी अपना स्टोर वापस ले लिया था, वो भी बहुत खुश थी। फिर एक दिन एलिस एक रेस्टोरेंट में आती है। वहाँ दूर के टेबल पर वेरोनिका भी बैठी थी। दोनों एक दूसरे को देखती है, तभी वेरोनिका के पास एक आदमी आता है। वेरोनिका उसे बहुत सारे पैसे देकर स्कूल में अपने बेटे के नाम पर लाइब्रेरी खुलवाती है। एलिस वहाँ से जाने निकलती है, तब उसे वेरोनिका आवाज देती है और ये मूवी यही एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।